मैं खासकर अपने बर्थडे को यहाँ सेलिब्रेट ब्रह्मा जी के साथ करने आया हूँ। ब्रह्मा जी पूरे विश्व के विश्व रचयिता है और इन्हीं के साथ आज मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो ये जो मेन रोड है, ये मेन रोड आपको दिखेगा, मेन रोड से आपको अंदर आना है और अंदर आते ही आपको मिलेगा यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर का रास्ता, जहाँ आप ब्रह्मा जी के मंदिर तक जा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, खाई खाई, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। समझ लो रेगिस्तान है, उस पर रोड तो बना ही हुआ है, हर जगह आपको रेती रेत दिखेगा, क्योंकि ये ऐसा रेत है कि समझ लो जैसा रेत मथुरा में वैसा रेत यहाँ पे भी है, पैरों में चिपक जाते हैं और फिर हमारे साथ साथ चलते हैं। So this video is sponsored by Pet Puja. This is a fast food truck where you get lots of Chinese platter, Italian platter and lots of fast food. तो अगर आपको करनी है अपनी पेट की पूजा तो जाइए पेट पूजा। तो फूड ट्रक की लोकेशन है अग्रसेन चौक, जाके विजिट करिए। फूड ट्रक कुछ इस तरीके से दिखता है। रुको रुको रुको, एक बात सुन के जाना, यहाँ पे अभी बट रहे हैं स्पेशल एडिशन कार्ड, जिसमें आप 499 में कार्ड कूपन ले सकते हैं और इसमें आपको मिलेंगे लॉट्स ऑफ कार्ड, जिसको आप यूज करके फायदा उठा सकते हो बहुत ही सारे लिमिटेड ऑफर का। सो गाइस दिस इज अ लिमिटेड ऑफर, आप जा सकते हो डायरेक्ट फूड ट्रक में और कॉल कर सकते हो इस नंबर में ज्यादा जानकारी के लिए। तो लेट्स गो, ब्लॉग को करते कंटिन्यू। सो गाइस ये गलियां जो है ना, मेरे को किसकी याद दिला रही है, सच बताऊं मथुरा की। तो ये ऐसी गलियां ही छोटी छोटी मस्त, और सामने रेतीले बालू वगैरह सब कुछ है जिसमें कृष्णा जी खेलते थे। आप यहाँ जितने लोगों को देख रहे हो अपना सामान धर धर के आ रहे हैं, ये सब कुंड में नहा के आ रहे हैं। समझ लो भाई, हर दिन तो हम घर में नहाते हैं, हर दिन तो हम अच्छा शावर में नहा लेते हैं, बाल्टी में नहा लेते हैं, लेकिन आज कुंड में नहाएंगे और फिलहाल ब्रह्मा जी के दर्शन करेंगे डायरेक्ट कुंड से निकल के। तो मेरा बर्थडे है तो इसीलिए ये स्पेशल व्लॉग मैं डाल रहा हूँ गाइस, अपने बर्थडे के दिन के लिए। इतने सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सब नहा के आ रहे हैं यहाँ पे। गलियाँ थोड़ी लंबी है, ज़्यादा दूर नहीं है, और यहाँ से ऑटो घुसती भी नहीं, इसलिए भैया ने बोल दिया आप पैदल ही चले जाओ। ये विश्व का सबसे पुराना और एकलौता मंदिर है दोस्तों, ब्रह्मा जी का। ये देखो ब्रह्मा जी का मंदिर, और यही है कुंड जो मैं बता रहा हूँ आपको, कुंड का रास्ता इधर पे है। तो ये हिल रेंज है, यहाँ पानी बरसात तो होते ही रहते हैं। यहाँ पे जहाँ आप कहीं घुस गए तो समझ लो भटक ही जाओगे। ब्रह्मा जी का एकलौता मंदिर जो विश्व में है, अभी हम लोग वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। बस घाघरा नी चोली वगैरह सब कुछ मिलेगी आपको यहाँ पे। घाघरा चोली तो गुजरात में रहता है, यहाँ क्या बोलते हैं समझ नहीं आ रहा गाइस, अब पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा। और अभी हम लोग लहंगा चोली बोलते शायद, हाँ लहंगा चोली बोलते। तो यहाँ सिक्योरिटी भी बहुत ही ज़्यादा टाइट है। श्री ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, और यहाँ पे है ब्रह्मा जी का मंदिर, विश्व का एकलौता मंदिर। और अभी हमको यहाँ से किधर जाना है, इस तरफ जाना है। हाय गाइस जय। तो दोस्तों यहाँ पे ना अभी हम लोग कुंड तरफ जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया रास्ता बनाया गया है, और पिंक सिटी जैसे कि इसको बोलते ही हैं। यहाँ पे मार्बल का खदान ही खदान है, पिंक कलर के जो पत्थर निकलते हैं इसलिए इसको पिंक सिटी भी बोलते हैं। और हम लोग करीब 1.5 किलोमीटर तो चल ही दिए होंगे कुंड तक पहुँचने के लिए मेन रोड से। यहाँ ए भाई बंदर वगैरह भी है यहाँ पे, ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को, मोबाइल वोबाइल ही ना छीन ले। हम लोग समझ लो नहा रहे हैं और कपड़ा वपड़ा छीना गया हमारा, बंदर छीन के लगे आ रहे, ऐसा इमेजिन करने बोल रहा हूँ, रियल में नहीं होगा। अरे हम लोग सरोवर पहुँच गए लग रहे हैं, अरे यही है यार मुख्य ब्रह्म घाट सरोवर, जिसको सरोवर बोला जाता है, कुंड नहीं बोला जाता, सॉरी गाइस, इट्स सरोवर। जय बजरंग बली, जय श्री राम। बहुत ही सुंदर घाट बनाया गया है यार, जय हो जय दान पेटी। दोस्तों यहाँ मुख्य ब्रह्म घाट में भी मंदिर वगैरह बनाए गए हैं, और कुंड में अभी हम लोग जस्ट नहाते हैं, जाते हैं देखते हैं ये। तो गाइज कुछ ऐसा यहाँ पे रास्ता है। सो गाइज यही है कुंड, और यहीं पे देखो सामने से कितना सुंदर नज़ारा आ रहा है, और अभी हम लोग भी यहीं पे नहाएंगे। तैयार हो जाओ गाइज, कपड़े वपड़े उतारते हैं और डायरेक्ट अंदर बात। तो गाइस यहाँ बहुत मछलियाँ हैं, दाना डाल रहे हैं, देखिए गाइस। अभी मेरे को पता चला, मैं जिस पानी में नहा रहा था वहाँ ये कितना मछली है भाई, कितनी मछली है बाप रे। और इसी अभी कितनी बड़ी भयानक मछली, क्या बताऊँ मैं आपको, देख रहे हैं दिख रहे हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को, वो यार बड़ी भयानक मछली है, पता है एकदम सारी मछली है बहुत।
बहुत ही सुंदर नज़ारा है पूरे कुंड का। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बड़ी बड़ी मछली है, और वहाँ पे मैं भी रेडी हो चुका हूँ। मेरे पीछे व्यू देखो आप, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहे हैं, पहाड़ी पहाड़ है चारों तरफ। ये बहुत ही बड़ा सरोवर जो कि हम लोग अजमेर में भी देखे थे, ऐसी इससे बड़ा था वो सरोवर, तो पुष्कर नाम इस सरोवर का ही है समझ लो। सरोवर इतना बड़ा है इसलिए इस जगह को, जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, पूरे जगह को पुष्कर का नाम दे दिया गया है। पुष्कर अभी हम लोग जहाँ नहा रहे थे ना, वहाँ वहाँ तक मछली आ चुकी है पूरी। सो फाइनली गाइस स्नान वगैरह तो सब हमारा हो चुका है, और अब हम लोग निकलते हैं यहाँ मंदिर परिसर से बाहर, मतलब घाट परिसर से बाहर। अब जाएंगे हम लोग डायरेक्ट ब्रह्मा जी के दर्शन करने मंदिर, और मैंने पता किया तो बोलते हैं कि वीडियो बनाना अलाउड है अंदर। देखते वहाँ पहुँच के भी एक बार देख लेते हैं।